अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सादियाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जायनमाज के नीचे कपड़ा लगाने का तरीका सिखाऊंगी। आप चाहें तो कपड़ा वॉशिंग वेयर या कॉटन में ले सकते हैं। तो चलिए अब हम कपड़ा लगाते हैं। सबसे पहले आप कपड़े को चौड़ाई के रुख ज़मीन के ऊपर बिछाएंगे इस तरह। आप जायनमाज को आप उसके ऊपर रखेंगे। चारों जानब से आपने इसे बराबर का कपड़ा छोड़ना है। ये मैंने साइडों पे छोड़ा हुआ है। मैंने तकरीबन सारी साइडों से 6 इंच कपड़ा लिया है। अब आप निशान लगाने के बाद इसको काट लेंगे। कपड़ा हमने काट लिया है, उसे दोबारा ज़मीन पर बिछा लें और उसके ऊपर जायनमाज रखें। ऐसे सारी साइडें आपने बराबर रखनी है। नाप कर लें अच्छे तरीके से। अब आपने अगर ये धागे वाली साइड बाहर रखनी है तो कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले हम इसे कच्चा कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कच्चा इसलिए करेंगे ताकि इसमें झोल वगैरह ना आए। आप कोना फोल्ड करेंगे पहले इस तरह, और अब यहाँ से फिर इसे फोल्ड करेंगे। सुई में कोई भी धागा डाल लें और इस तरीके से आप इसे कच्चा करें। आप चाहें तो टांके छोटे बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कपड़े में झोल ना पड़े, फिर सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। आप चौड़ाई की जानब से इस तरीके से आपने कच्चा करना है। अब हम आखिरी कोना भी बनाएंगे इस तरह। लेकिन कोशिश करें कि चारों कोने बराबर हों और चारों साइडों पे कपड़ा भी बराबर का हो। आप चाहें तो इस्त्री के साथ भी इसकी तह बना सकते हैं, लेकिन साथ साथ बनाएंगे तो बेहतर है। नाप करें और फोल्ड कर दें सारा इसी तरीके से। अब हम सिलाई लगाएंगे सिंगल चारों जानब ऐसे ही। कोने पे सिलाई ले आएँ आप और इसे वापस मोड़ लें। आपने बिल्कुल साथ साथ कपड़े के जहाँ से फोल्ड किया है चारों जानब ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।